जय हिंद। काफी सारी लड़कियां इंडियन आर्मी की रनिंग की तैयारी कर रही है, और रनिंग की तैयारी करते वक्त आपके साथ में जो समस्या आ रही है वो मैं आपको आज इस मैटर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, आज ये बच्ची को दौड़ते हुए कितने दिन हो गए बेटा? 8 दिन हो गए। आज क्या समस्या आ रही तेरे साथ? एडी में नीचे दर्द हो रहा, और दर्द होने का कारण है, इसका मेन जो कारण है ये जूता निकाल दे रहा। देखिए इसका जो शूज है ये सबसे मेन कारण है इसका, हील पेन का। देखिए इसका जो बनावट है कितना गंदा बनावट है। इस बनावट के जूते से नंगे पैर दौड़ लो आप ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप ऐसे जूते पहनकर कभी नहीं दौड़ें। अगर आप ऐसे जूते पहनकर दौड़ेंगे तो आपकी हील प्रॉब्लम, क्योंकि लड़कियों की जो हील होती है पीछे को बेटा ऊपर ऐसे, ये जो हील होती है आपकी ये सबसे कमज़ोर मानी जाती है। और जब क्या होता है, अगर अच्छा जूता, अच्छा प्रोटेक्टेबल जूता नहीं होगा तो आपकी हील पे गिरेगा, क्योंकि आप स्टार्ट से ही पंजे पे दौड़ना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, तो आपका हील पहले गिर जाता है। जब आप रनिंग करते हैं तो हील पहले गिर जाता है, तो उसका कारण ये होता है कि आपका हील के अंदर जल्दी पेन आना स्टार्ट हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि आप रनिंग करते हुए रुक जाते हैं। फिर ये दर्द आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अगले दिन रनिंग करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेन जो कारण होता है लड़कियों के अंदर परेशानी जो होती है, उनकी बोन जो होती है, हड्डियाँ जो होती है, मसल्स जो होती है वो कमज़ोर वीक होती है। तो उन्हें आप अच्छे जूते देकर, मतलब कि अच्छे से अगर आप अच्छा शूज़ लेंगे, सेगा भी मैं नहीं समझता हूँ कि सेगा अच्छा जूता है, आप थोड़ा सा और रेंज बढ़ाइए, कम से कम 1000 रुपये की कॉस्ट तक का जूता लीजिए। अगर आपने अच्छा जूता लिया तो आप रनिंग अच्छे से कर पाएंगे और आपका पैर सही से सेफ रह पाएगा। अंत में एक ही बात बोलूँगा कि लड़की अगर रनिंग की तैयारी कर रही है तो इस वीडियो को देख कर कमेंट करें कि मुझे क्या आपके लिए रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप के वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगी तो मैं आपके लिए जल्दी रनिंग के और लॉन्ग जंप के वीडियोस बना दूंगा। अगला वीडियो गर्ल्स के लिए रहेगा कि कैसे लड़कियां अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। अब स्टार्ट में क्या होता है, पहले आपको रनिंग के पहले क्या करना रहता है, रनिंग करने के बाद आपको क्या करना रहता है, आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है। तो मैं आपको इन चीज़ों से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाकर दे दूंगा, आप कमेंट में कमेंट करते रहिए। आपको मैं इंस्टाग्राम पर मिलूंगा कपिल यादव फोर्स के नाम से, आप वहां पर भी आकर कमेंट कर सकती हैं और वहां पर अपने क्वेश्चंस के जवाब पूछ सकती है। आप अगर इंदौर आना चाहती है, फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहती है तो आ जाइए यहां पर। अब हमने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ये बच्ची आई कहाँ से, हमतरा कहाँ पर है, कहाँ पर है, नमो जिले से आई है। तो और बेटा बागली देवास जिले। तो ये बच्ची आ गई है तैयारी करने के लिए, तो अगर आप भी आना चाहती है तो आ सकती है फोर्स डिफेंस अकेडमी में, हम फिजिकल के लिए आपको ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।